दुनिया के सबसे तेज तर्रार विदेश मंत्रियों में गिने जाने वाले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारत की ताकत दिखा दी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाले एस जयशंकर के सामने इस बार पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पड़ गए। दरअसल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चल रही थी। इस बैठक में भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। इसी बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया। बैठक में पाकिस्तान और भारत के बीच मतभेद साफ दिखाई दिए, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अनुभव बिलावल भुट्टो के सामने भारी पड़ा। बिलावल भुट्टो सिर्फ 2 महीने पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं। उनके पास कूटनीतिक संबंधों और विदेश नीति को लेकर कोई भी अनुभव नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में उनकी अनुभवहीनता साफ साफ देखने को मिली। भारत ने इस बैठक में एशिया और यूरोप के बीच संपर्क के लिए चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र करते ही माहौल को गर्मा दिया। आपको जानकारी दे दें कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है, जबकि सीपैक चीन और पाकिस्तान के बीच पीओके में चल रही एक खतरनाक परियोजना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया को ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि इन दोनों संकट का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर कई बड़े बयान दे दिए। उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत को बंद रखा हुआ है।